सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में, और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन से। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 ग्राम या 1 kg एंड रेडियस 0.1 मीटर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर इज, हमें यहाँ पे दिया गया है कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका वेट है 1 kg। हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है उसका वेट है 1 kg और उसका जो रेडियस है वो है 0.1 मीटर। रेडियस उसका 0.1 मीटर है और वो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, यानी वो मूव कर रहा है इस अकॉर्डिंग, एंड यूनिफॉर्म उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है उसकी कांस्टेंट है 1 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑफ द हॉरिजॉन्टल। तो वो इसी डायरेक्शन में आगे को मूव कर रहा है कंटिन्यूटी में। हमें बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। मगर ये कोई सर्कल नहीं, ये एक स्फीयर है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास दो मोशंस आएंगे, फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर, सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन। तो हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा, एनर्जी ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल, कि जो मूवमेंट उसकी हो रही है रोटेशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, जो उसका ट्रांसलेशन मोशन है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो उसके वेट के अकॉर्डिंग आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बनता है 1/2 मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी प्लस 1/2 एम वी स्क्वेयर। 1/2 एम बी स्क्वेयर नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी है जो कि रोटेशन की वजह से उसके अंदर आएगी, और ये जो है इसकी ट्रांस जो उसके रोटेशन की वजह से उसके अंदर ट्रांसलेशन मोशन आ रहा है, आई इज़ द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड डब्ल्यू इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। तो जब हम इस फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी 1/2 इंटू, अब आई जो है हमारे पास वो होता है 2/5 एम आर स्क्वेयर, और जो ओमेगा यानी वेलोसिटी है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी वो होती है ये, और एक साइड इसमें प्लस 1/2 mv² एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये जो है हमारे पास एक टर्म बन गई, ये ऊपर वाली 1/2 इंटू 2/5 एम आर स्क्वेयर इंटू 2/r². इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी आ जाती है 1/5 एम वी स्क्वेयर प्लस 1/2 एम वी स्क्वेयर, और इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर बनता है वो बनता है दिस। तो जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास वो इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। हमने यहाँ पे दो फार्मूले यूज़ किए, फर्स्ट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर एंड उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन डायग्राम शो हेयर ऑल 3 rods आर ऑफ इक्वल लेंथ। हमारे पास ये 3 rods गिवन है ए बी एंड सी, इनकी लेंथ जो है वो इक्वल है, मास भी इक्वल है। सिस्टम इज रोटेटेड सच दैट रॉड बी इज द एक्सिस। अब हमने इस एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको रोटेट किया है, इनकी जो बी है उसको हमने एक्सिस मान लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने इसे रोटेट किया। तो मोमेंटम ऑफ द इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज, हमें मोमेंटम ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर हमने बी के अकॉर्डिंग किया, बी का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया 0 हो गया, सिर्फ ए एंड सी का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ एंड मास इनका इक्वल है, तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया हमारे पास होता है ml² / 12। ये इसके लिए फॉर्मूला है अगर हमारे पास मास और लेंथ जो है वो
इक्वल है, तो हमारे पास यहाँ पे दो रॉड्स हैं, तो इनका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ जाएगा एम एल टू अपॉन 12 प्लस एम एल टू अपॉन 12 इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर अपॉन 6, जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है हमारे पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायमेंशन फार्मूला ऑफ द टॉर्क इज, हमें टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। हमारे पास ऑप्शन है एम एल टू टी माइनस टू, एम एल एम स्क्वेयर एल टी इनवर्स, एम एल टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। तो जो टॉर्क हमारे पास होता है जिसे हम इस तरह डोनेट करते हैं इज इक्वल टू, वो होता है रेडियस इंटू फोर्स। रेडियस जो है, रेडियस के यूनिट लेंथ में आएंगे, और जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास एम एल टी माइनस टू। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आगे एम एल टू टी माइनस टू जो है वो यूनिट होते हैं टॉर्क के। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी है एम एल टू टी माइनस टू, इसका राइट आंसर है। आप देखोगे ये दोनों के दोनों ऑप्शन एक जैसे ही हैं, तो आप चाहे इसको मान लो, तो इसके जो यूनिट आ गया आपके पास एम एल टू टी माइनस टू, इसके राइट यूनिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का क्या डायमेंशनल फार्मूला होगा? तो डायमेंशनल फार्मूला होगा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस। हमें लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है इंटू डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया एल, और जो लीनियर मोमेंटम है उसका फार्मूला होता है एम एल टी माइनस वन। तो जब इसमें इन वैल्यू को डालेंगे तो हमारे पास आएगा एम एल टू टी माइनस वन, जो है इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इन्होंने सारे के सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास आएगा वो आएगा एम एल टू टी माइनस वन, जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू पार्टिकल ईच ऑफ मास 1 ग्राम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें प्लेस किया गया है। आप इस तरह इसको मान सकते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, उनको हमने प्लेस किया हुआ है डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन ओरिजिन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गई, तो आपने जो सेंटर है वहाँ से उसे एक को यहाँ पे, एक को यहाँ पे, इसका डिस्टेंस 1 मीटर एंड इसका डिस्टेंस जो आपके पास 3 मीटर है। तो ये जो है पार्टिकल, इनका वेट जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास एक टर्मलॉजी बन जाएगी कि जो यहाँ का डिस्टेंस है आप उसको एक्स टू मान लीजिए, इस डिस्टेंस को आप एक्स वन मान लीजिए। तो जो आपके पास सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ सिस्टम आएगा वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आएगा। तो ये टर्म आप एक्स मान लीजिए इसकी। अब जो मास है इसका एम वन यानी एम टू, यहाँ पे आपके पास आप एम वन मास इसको मान लीजिए, एम टू मास इसको मान लीजिए। तो एम वन एंड एम टू जो है आपके पास इक्वल हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, वेयर एम वन एम टू इज़ द मास। तो नीचे तो हमारे पास टू आ गया, ऊपर आप देखोगे तो जो इनके मास डिस्टेंस होगा एक्स वन एंड एक्स टू कॉमन है दोनों में, क्योंकि हमने जब ऐसे ड्रॉ किया था तो आपने देखा था ये 1 मीटर के ऊपर था, ये 3 मीटर के ऊपर था, यानी डिस्टेंस जो है 2 मीटर था इनका। तो जब आप इसमें वैल्यू डालोगे तो आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस टर्म में आ जाएगी। जो आपके पास x है आपने बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर आपके पास m1 प्लस m2 बच जाएगा अपॉन नीचे m1 प्लस m2 आपके पास यहाँ पे आ गया। तो इसको आप और रीअरेंज करके लिख सकते हो, तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी
m1 एंड m2 की वैल्यू आपके पास है 1 प्लस 1 और बाहर इनटू 2 अपॉन और नीचे भी 2, दिस विल इक्वल टू 2 4 यानी 4 अपॉन 2 दे आर कैंसिल इक्वल टू 2। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 2 मीटर, जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो है 2 मीटर के ऊपर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर इज रोलिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विदाउट स्लीपिंग विद देन एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियन। हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 1 मीटर और वो रोल कर रहा है हॉरिजॉन्टली, कोई स्फीयर है जो कि रोल कर रहा है हॉरिजॉन्टली, इसका जो 1 मीटर रेडियस है विदाउट स्लीपिंग एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस, ये स्लिप नहीं हो रहा यानी एकदम परफेक्टली मूव कर रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी वो है रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द स्फीयर इज, हमें इसकी लीनियर वेलोसिटी निकालनी है कि वो सेंटर से उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है। तो आपको पता है कि लीनियर वेलोसिटी वो ही होगी जो स्ट्रेट में होगी और सेंटर ऑफ मास उसका चेंज नहीं करता अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला होता है वी सी यानी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेडियस ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, 1 इनटू 1 इज इक्वल टू 1 मीटर सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स जो इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द इंस्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए सर्कल डिस्क एट टाइम टी इज गिवन बाय ओमेगा। हमारे पास यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी दी गई है एक सर्कल की, व्हाट इज द इंस्टेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क, यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है एंड हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए थे वेक्टर्स में, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किए थे जैसे प्रोजेक्टाइल्स रिलेटेड, अगर हमें वेलोसिटी गिवन हो तो हम उसकी एक्सेलरेशन निकालते थे डिफरेंशिएशन करके। तो यहाँ पे आप देखोगे एंगुलर वेलोसिटी, इनके फॉर्मूले में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि लीनियर मोशन जो है वह कन्वर्ट हो गया एंगुलर में, इट मीन्स कि थीटा वैल्यू ऐड हुई है मैक्सिमम, जहाँ पे स्ट्रेट मोशन था वहाँ पे अब रोटेशन मोशन आ गया है। मगर जब यहाँ पे आप देखोगे तो एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन में वही फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, इट मीन्स कि जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है उसको आप कन्वर्ट कर दोगे एक्सेलरेशन में विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन है आपके पास या इंस्टेनियस एक्सेलरेशन है उसको आप डिनोट करते हो अल्फा के साथ इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ओमेगा इज द वेलोसिटी अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम यहाँ पे ये गिवन है तो ये आपके पास आ जाएगा, जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे इसकी डिफरेंशिएशन आपके पास बन जाएगी तो ये इस तरफ चला गया, दिस इज 4.0 टी, ये इसका राइट आंसर है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर होगा। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं कुछ सुझाव हैं मेरे लिए कि वीडियो को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।